सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में, जहां एक तरफ मौली अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दे रही है क्वालिटी टाइम कुणाल को, और कुणाल को हक करते हुए हो रही है इमोशनल, वहीं कुणाल भी कहीं ना कहीं मौली के दर्द को फील कर रहा है और मौली इनसिक्योर है और इसीलिए कुणाल के सामने अपनी फीलिंग्स बता रही है। वहीं दूसरी ओर नंदनी, मौली, दादी और मम्मी नंदनी से कर रही हैं बातें कि किस तरह नंदनी और कुणाल गणपति विसर्जन के दौरान एक दूसरे के साथ करीब होकर कर रहे थे डांस, लेकिन मौली मौके की नजाकत को देखते हुए नंदनी से कहती है कि इसमें नंदनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके थंडई में किसी ने मिला दी थी भांग, जिसकी वजह से नंदनी ने किया इस तरह से डांस। और फिर मौली नंदनी से ये कहते हुए खुद को दे रही है दिलासा कि शायद मुझे डाउट तब होता जब कोई दूसरा होता। वहीं दूसरी ओर कहानी में आया ट्विस्ट जब कुणाल मार रहा था राजदीप को, क्योंकि कुणाल को पता लग गया है कि नंदनी के साथ नीच हरकत राजदीप ने ही की है, और आज मौली के सामने कुणाल बार बार नंदनी का नाम लेकर राजदीप को मार रहा था और राजदीप जानबूझकर मार खा रहा था ताकि कुणाल के गुस्से में दिखे नंदनी का प्यार। आपने देखा था कि वो नंदनी का जिप खोलने की कोशिश करता है, सो कुणाल का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है और कुणाल को फाइनली पता लगता है कि कांड जो है राजदीप ने किया हुआ है, एंड राजदीप हिमसेल्फ रिवील्स हिमसेल्फ कि देख भाई मैंने किया था। सो कुणाल जी कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत पोजेसिव हो चुका है कुणाल, बिकॉज ही इज फॉलन फॉर नंदनी, तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक एक्स्ट्रा क्रेजी एंड एक्स्ट्रा पोजेसिव, एंड मौली को ये बात बहुत खटकती है कि मौली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये नंदिनी के नाम घड़ी घड़ी नंदिनी का नाम क्यों ले रहा है, नंदिनी को तूने हाथ भी कैसे लगाया, नंदिनी को तूने देखा भी कैसे, उसके तो अच्छा लगता है कि दैट शी इज केयरिंग अबाउट हर बट समवेयर शी सेंसेस दिस इज नॉट राजदीप ने वो बीज भी जो है वो आपके मन में, हां वो तो बीज तो काफी लोगों ने अब तक डाल दिया हुआ है। वहीं आज कुणाल के घर पर आए हैं कुछ खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार हर्षद चोपड़ा यानी बेपनाह के आदित्य की, जो आज आए हैं कुणाल मौली के घर। दरवाजा खोलते ही राधिका ने किया आदित्य का स्वागत और साथ ही साथ राधिका आदित्य से कहती है कि वो कुणाल को समझाए। जी हाँ, आदित्य मुझे समझाने की कोशिश करता है कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, और मुझे उसे जोया ने बताया कि कि मैं इंटीमेट हो रहा था मैं नंदिनी के साथ, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, तेरी बीवी है, तुझे बीवी के बारे में सोचना चाहिए, और मैं कम्प्लीटली डिनाई कर देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, डेफिनेटली मेरे ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया होगा, वरना मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। सो मैं उससे बस ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ही सेइंग कि भाई मुझे तो पता नहीं तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, बट व्हाटएवर आई हैव हर्ड, सो यू बी केयरफुल अबाउट इट एंड डोंट स्क्रू अराउंड।